हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करूंगा आज थिएटर में रिलीज हुई मूवी ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में। ये एक दोस्तों मल्टी लैंग्वेज में रिलीज हुई फिल्म है जिसको भी कुछ देर पहले देखकर ख़त्म किया है। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा इस फिल्म के साथ, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। देखो, मुझे इस मूवी का अर्ली शो देखने को मिल गया, तो सबसे बड़ी बेस्ट बात ये रही। वरना जो मूवी जो शुरुआत होती है ना, वो सुबह 10 बजे बाद होती है, लेकिन मुझे इस फिल्म का अर्ली मतलब शो देखने मिला, तो मैंने इस फिल्म को आराम से देख लिया। और जो भी मेरा रिव्यू बनता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको बता दूंगा आपको इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं और फिल्म में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। सिर्फ एक वर्ड में समझाने की कोशिश करूँ फिल्म कहानी की, तो इस वर्ड जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, यानी वो कुछ ना अलग टाइप के हैं। जो ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट आया था ना, वो दिल से जुड़ गया था। सेकेंड पार्ट भी ठीक था, थर्ड पार्ट भी आया था, वो भी मतलब सही था, बोर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया है, एक अलग सी दुनिया दिखाई गई है और नए नए ट्रांसफॉर्मर देखने को मिले हैं। जो पहले बार जो कारें थी ना, वो अब कहीं ना कहीं जानवरों का रूप भी ले रही हैं, वो भी एक हिसाब से ऑटोमोबाइल्स ही हैं। अब ये मिलकर एक मतलब विलन है जो दूसरी दुनिया का है, वो पृथ्वी को ख़त्म करना चाहता है। अब ये सब मिलकर कैसे उसको हराएंगे, वो इस फिल्म की बेसिक कहानी। इस बार इंसानों की मदद कम ली गई है, जो मुझे थोड़ा ना यूनिक ही लगा इसका कंसेप्ट। देखो, अगर आप एक हॉरर मूवी लवर हो, ठीक है, स्टोरी को परे रखकर विजुअल इफेक्ट और मतलब एक ऐसी फैंटेसी दुनिया देखना चाहते हो कि आपका टाइम पास पूरा हो, अच्छा लगे और मतलब इंजॉयमेंट करो आप, तो आप फिल्म को देख सकते हो। लेकिन स्टोरी कैसे शुरुआत हुई, कैसे एंड हुई, पता तक नहीं लगा। लेकिन बस कुछ कैरेक्टर हैं जो शुरुआत के पहले पार्ट से मतलब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस उन्होंने एंटरटेनमेंट किया, बाकी यार नहीं। मुझे तो ये फिल्म इतनी पसंद नहीं आई, तो मुझे फिल्म जैसी भी लगी मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर कर दिया। भाई, मेरे को ये फिल्म इतनी पसंद नहीं है जितनी मैं उम्मीद था दोस्तों। इस फिल्म को देखा ना, वो इतना मुझे इन्जॉयमेंट नहीं मिला इस फिल्म के साथ। तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा क्विक रिव्यू था जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किया। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको ये मूवी देखनी ना, आप डायरेक्ट इसका ये पार्ट देखने जा रहे हो ना, तो इससे पहले कम से कम इसका पहला पार्ट देख लेना, ताकि आप उनके जो कैरेक्टर को ना समझ सको कि ट्रांसफार्मर कौन थे, कहाँ से आए। तो दोस्तों मिलता अगली वीडियो में ऐसी एक और मूवी का रिव्यू लेकर।